अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम आलू बनाने वाले हैं और वो दो तरीके से हम बनाएंगे। एक जो हम रेडी वाले से लेकर खाते हैं स्ट्रीट स्टाइल वो, और दूसरे जो हम मैकडोनल्ड केएफसी वगैरह पे खाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल वो। उसके लिए मैंने 4 से 5 आलू लिए थे और उसका छिलका उतार कर अच्छे से धो लिया। धोने के बाद हम आलू को मोटा मोटा काट लेंगे। पहले हम जो है वो इसको गोलाई में काटेंगे। और अब हम इसको फिंगर शेप में, फ्रेंच फ्राई के शेप में काटेंगे। अब एक बॉल में पानी लेंगे और उसमें 4 खाने के चम्मच नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा मैंने ज़्यादा रखा है क्योंकि हम इसमें बाद में नमक ऐड नहीं करेंगे। और उसके बाद उसको जो है वो आलू उसमें डाल देंगे ताकि वो अच्छे से सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर सकें। आलू को 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही रख दीजिएगा। पाँच मिनट के बाद आलू को छान लें। उसके बाद एक एक आलू को अलग अलग करके रख दें। मैंने कटिंग बोर्ड लिया है, आप चाहें तो प्लेट भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम आलू को पंखे के नीचे रख देंगे 10 मिनट तक या जब तक ये ड्राई हो जाए। आलू ड्राई हो गए हैं और अब बहुत ही लो फ्लेम पे इसको पकाना है।
और अब हम इनको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे जब तक ये गोल्डन हो जाए। आलू गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इनको इस एक प्लेट में निकाल देंगे। स्ट्रीट स्टाइल के लिए आलू में आप चाट मसाला ऐड कर दें एक चम्मच और मिक्स कर लें अच्छे से, और अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल चाहते हैं KFC वाला तो आप उसको ऐसे ही रहने दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।